कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा का प्रसंग आगे बढ़ रहा है। कमठ के भव से मरभूति भाई के साथ यह कथा प्रारंभ हुई थी। जब वह मरभूति मरण करके हाथी की पर्याय को प्राप्त हुआ और वहाँ पर अड़ू व्रतों का पालन करके वह स्वर्ग में देव बना, फिर वहाँ से आकर पुनः एक विद्याधर राजा बना और फिर वहाँ पर मुनि व्रत को अंगीकार करके उपसर्ग को सहन कर वह पुनः स्वर्ग को सिधार गया। वहाँ से आकर फिर वह वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में विदेह क्षेत्र में एक महान राजा के रूप में अवतरित हुआ और उसी वज्रनाभि चक्रवर्ती की यह कथा आपके सामने चल रही है। बीच में एक विद्याधर का जन्म लिया था, देव बने और फिर वह मनुष्य बने और वह मनुष्य भव में राजपाट करते हुए अपने पुण्य के प्रताप से चक्रवर्ती बनकर सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए जो निश्चिंत जीवन का सुख होता है उसे प्राप्त करते हुए उन्होंने अपने ही पुण्य योग से एक दिन कुछ ऐसा सुअवसर प्राप्त किया कि वह एक ऐसे निमित्त को प्राप्त कर लिए जिस निमित्त से उनके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जो सामने आ रहा है वह एक मुनि महाराज के निमित्त से आता है और वही विचार इस प्रसंग के साथ आगे बढ़ रहा है। कल आपसे कहा था बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग माई त्यों चक्री नृपसुख करें धर्म विसारें नाहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी सुख का उपभोग करते हैं, धर्म को विसारते नहीं, धर्म को छोड़ते नहीं, धर्म को विस्मृत नहीं करते। इन महापुरुषों से हमें भी यह सीखना है, हमें जो कुछ भी सुख सामग्रियां मिली हैं उनका सेवन करें, सुख से रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यह सब धर्म का फल है, इसे ना भूलें। यही धर्म है जिसके कारण से हमें इस वर्तमान जीवन में सुख मिल रहा है, अन्यथा हम भी कहीं कीड़े मकोड़े की पर्याय में जन्म लिए होते, कहीं गिंजाई और मच्छरों की पर्याय में जन्म लिए होते। रात को जन्म होता, सुबह पानी बरसता और सारा जीवन लीला समाप्त हो जाता। ऐसे भी जन्म हम पा चुके हैं और आगे भी प्राप्त हो सकते हैं अगर हमने धर्म को विचार करके सुख प्राप्त करने की इच्छा की तो। यह एक बहुत बड़ी नीति है और इस नीति को हमेशा याद रखना है कि जिस तरह से एक अच्छा किसान बीजों को संभाल के रखता है, समय आने पर बीज बोता है, बीज से फसल लेता है और फिर उस फसल से भी
फल आने पर भी उन्हीं फलों से पुनः बीज निकालता है और उन बीजों को अगले साल के लिए संभाल के रखता है। फिर मुझे आगे जब समय आएगा तब मैं फिर बीज बोऊंगा और फिर मुझे उससे फसल प्राप्त होगी, और ये क्रम चलाता रहता है। ठीक यही क्रम धर्म और धर्म से प्राप्त सुख के साथ चलता है तो जीवन आगे बढ़ता है। वह धर्म ही है, वह पुण्य भाव ही है, वह परोपकार के कार्य ही हैं, वह सब अहिंसा, सत्य, तप और त्याग का परिणाम ही है जो धर्म के रूप में हमारे अंतरंग में आता है। और वह अंतरंग जब इस तरह के धर्म से संयुक्त होकर अपने अंदर पुण्य भावों की समायोजना कर लेता है तो उसी के फल से उसे सांसारिक सुख भी मिलते हैं और उसी के फल से अच्छे निमित्त भी मिलते हैं जो उसको मोक्ष मार्ग की ओर भी ले जाते हैं। आप ये मत समझना कि पुण्य का फल केवल संसार है। अगर आपने पुण्य को अच्छी तरह से अर्जित किया है और उस पुण्य को करते हुए किसी भी तरह से आपने कोई भविष्य में हमें कोई अच्छे सुंदर भोग मिले, सांसारिक सुख मिले, इस तरह की कामना नहीं करते हुए अगर आपने वह पुण्य अर्जित किया है तो वह पुण्य आपको दोनों सुख प्राप्त कराएगा, संसार का भी और मोक्ष का भी। आप पुण्य करते हुए बस ये भाव रखें कि हमारे अंदर गुणों का अनुराग है इसलिए हम देव की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। हमारे अंदर पार्श्वनाथ भगवान से अनुराग है इसलिए हम पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारे अंदर पार्श्वनाथ भगवान के प्रति भक्ति का भाव है इसलिए हम बिना कुछ सोचे समझे हम भगवान की कथा सुनने में आनंद ले रहे हैं। और हे भगवान, इस कथा का आनंद हमें ऐसा मिलता रहे कि ये कथा कभी समाप्त ही ना हो। इस तरह का परिणाम आपके अंदर आए, यह कथा कभी समाप्त ही ना हो, ऐसा विचार आपके अंदर आए। कहीं आप ऐसा तो विचार नहीं कर रहे कि यह कथा कब तक चलेगी, समझ लेना। आपके मन के अंदर अगर यह विचार आया कि मुझे कब तक यहां आना पड़ेगा, कब तक सुनना पड़ेगा, कब तक यह कथा चलेगी, तो इसका मतलब है कि आपको पार्श्वनाथ भगवान के चरणों से अनुराग नहीं है, आपको भगवान से भक्ति का भाव नहीं है। भगवान से भक्ति बढ़ रही है, भगवान के प्रति अपना अनुराग बढ़ रहा है तो ये हमारे अंदर विचार आना चाहिए कि हे भगवान, हर सुबह ऐसी हो जिस सुबह मैं अपने दिन की शुरुआत इसी तरह से पार्श्वनाथ भगवान की कथा का श्रवण करके करूं, आने वाले समय में हर सुबह ऐसी हो। यह विचार अगर आपके अंदर आता है तो इस विचार से ही इतना पुण्य आप अर्जित करेंगे, भगवान की भक्ति से आपके अंदर वह भाव आएगा कि वह भाव आपका सभी तरह की सुख संपत्तियों का कारण बनेगा। संसार में कोई भी जीव जब तक लौकिक सुखों से परिपूर्ण नहीं होता तब तक वह अलौकिक सुख भी बहुधा प्राप्त नहीं कर पाता। यह भी चित्रण इन पार्श्वनाथ भगवान की कथा से आप समझ सकते हैं। चक्रवर्ती जैसा राज वैभव प्राप्त करके उन्हें धर्म की विस्मृति नहीं हुई और वह पूरा जीवन जो एक गृहस्थ धर्म का होता है, दान करना, पूजन करना, सामायिक करना, व्रत करना, उपवास करना, भक्ति करना, ये सब वह कर रहे हैं, लेकिन इसको करते करते भी, इस तरह से करते करते भी उनका जीवन सुख से व्यतीत हो रहा है, आयु व्यतीत हो रही है। और एक दिन
कुछ उन्हें अपने पुण्य के संयोग से एक अच्छा निमित्त मिलता है। क्या मिलता है यह आगे के इन छंदों में लिखा हुआ है। यह विधिराज करे नर नायक भोगे पुण्य विशालो सुख सागर में रमत निरंतर जात न जाने कालो। एक दिना शुभ कर्म संजोगे क्षेमंकर मुनि वंदे देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अलि आनंदे। तीन प्रदक्षण दे सिर नायो करी पूजा थुति कीनी साधु समीप विनय कर बैठ्यो पायन में दिठ दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि सुनी राजा वैरागे राज रमावनी तादिक जेरस तेरस बेरस लागे। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे क्षेमंकर मुनि बंदे, यह शुभ कर्म के संयोग से मुनि की वंदना करने को मिलता है। चक्रवर्ती के लिए पूरे जीवन में यह एक पुण्य का संयोग आया। जब एक दिन वह श्री गुरु को देख करके दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु को देख करके उनके चरण कमलों में बैठ करके और उनके चरण कमलों को देख करके आनंदित हुए, जब आनंद उत्पन्न होता है तो हर्ष से आंखें भर आती हैं। जब आनंद उत्पन्न होता है तो हर्ष में आंखें अश्रुओं में डुबकी लगाने लगती हैं। जब आनंद उत्पन्न होता है तो हर्ष से भीतर के उस दुर्लभ स्नेह भाव से जीव के अंदर गदगद भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसा आनंद उन्हें मुनि महाराज के चरण कमलों का दर्शन करके उनके पास बैठ करके उन्हें आने लगा। उन श्री गुरु के चरण कमलों में नमस्कार करके तीन प्रदक्षिणाएं दी, उनकी पूजा की, स्तुति की और विनय के साथ उनके चरणों में बैठ गए। एक बड़ा चक्रवर्ती है और वह मुनि महाराज के चरणों में आंख झुकाकर बैठा है, हाथ जोड़कर बैठा है। क्या सोचकर, क्या विचार करके बैठा है, क्या विचार कर रहा होगा। जिस दिन आपके अंदर ऐसा भाव आए कि हम मुनि महाराज को देख करके उनके चरणों में बैठ करके सिर्फ आंख झुका करके विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, उस दिन आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। यह विचार उस राजा के जीवन में एक ही बार आया,
और जब जीवन में ये विचार आता है तो उस समय पर अपने आप सामने देखते हुए उस निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भोग रहे हैं, वह किसके फल से भोग रहे हैं और इसका आगे हमें फल क्या मिलेगा, यह विचार उस समय क्षण भर बैठ करके आ सकता है। पुण्य का फल जब ज्यादा होता है तो यह विचार होता है कि इस पुण्य के फल से हमने इतना बड़ा साम्राज्य तो प्राप्त किया, लेकिन इसके भोग से हमें आगे क्या मिलेगा। अगर हम इसका भोग करते रहे और इस साम्राज्य में हम फूलते रहे तो आगे हमारी गति क्या होगी, यह विचार उनके अंदर उस समय आने लग जाता है जब वे सर्वस्व त्यागी को अपने सामने देखते हैं। और इसी को कहते हैं भोग पर त्याग की विजय। कितना ही बड़ा भोगी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा विलासी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा लग्जरियस लाइफ जीने वाला क्यों ना हो, लेकिन जब वह त्यागी को देखता है, जब उसके सामने त्याग तपस्या में लीन कोई अंतर आत्मा उसे दिखाई देता है तो उस समय पर भोग उसके ऊपर हावी नहीं होते, त्यागी का त्याग भोगों के ऊपर हावी हो जाता है। इसी से आप समझ सकते हैं जय किसकी और पराजय किसकी। भोग कभी भी इस संसार में रहते हुए भी, भोगी के सामने रहते हुए भी, भोगों को भोगते हुए भी आपकी विजय त्यागी के समक्ष नहीं हो सकती। आपके अंदर यह विचार उत्पन्न होता रहेगा कि यह त्याग का जीवन कैसा होता है, यह त्याग के जीवन की अनुभूति कैसी होती है, यह त्यागी का जीवन क्यों इस तरह का होता है और यह त्याग आखिर क्यों होता है। यह विचार आता है जब कोई त्यागी समक्ष होता है। और उसी विचार के कारण से जब ऐसे धर्मात्मा के मुख से कुछ निकलता है तो सारा का सारा आत्मसात होता चला जाता है। गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि सुन राजा वैरागे राज रमा वनितादिक जे रस ते रस बेरस लागे। बिना रस के तो कहीं आनंद है ही नहीं। एक काव्य शास्त्रों में सूक्ति आती है, रसह वही आनंद, रस ही आनंद है। जिसमें आपको रस आने लगे समझो वही आनंद का स्रोत वहीं से फूटने लगा। चक्रवर्ती हैं, जब राज दरबार में बैठते हैं, चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठते हैं, तब उसमें जब रस आता है तो उसमें आनंद आता है। 96,000 रानियों के साथ रमण करते हैं तब उसमें आनंद आता है। बड़े बड़े रसोइयों के साथ बैठ करके जब वह उनके द्वारा निर्मित पकवान खाते हैं तब उन्हें आनंद आता है। ये आनंद उनके जीवन में भी आता है, लेकिन यही रस बेरस होने लग जाता है। आपके लिए यह समय सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में जब तक आप यहां बैठते हो तब तक आपको एक अलग आध्यात्मिक आनंद आता है, अलौकिक आनंद आता है, और जैसे ही आप यहां से उठ के जाते हो तो आपको लौकिक आनंद आने लग जाता है। आज तीज बताते हैं, हरियाली तीज है। आज सभी राजस्थान की महिलाएं हरी हरी दिखाई देंगी। ये भी एक आनंद है, लौकिक आनंद लेते हैं लोग।
और उस लौकिक आनंद में वह हर तरह का आनंद लेते हैं, लहर लहर लहराई का आनंद भी लेते हैं, घेवर फैनी खाने का भी आनंद लेते हैं, और इन सब आनंदों के साथ में वह सावन के महीने के आनंद में जब आगे बढ़ते हैं तो ये आनंद भी उन्हें थोड़ा सा फीका लग सकता है, जब उन्हें पार्श्वनाथ कथा क्या सुनने का आनंद अच्छे ढंग से आने लग जाए। ये अलौकिक आनंद आपके लिए लौकिक आनंद पर हमेशा भारी पड़ने वाला है। लौकिक आनंद तो आप सोचते रहेंगे कि हर साल होता है, हर साल लिया जाता है, ये खाने पीने सजने पहनने का आनंद कुछ खास नहीं होता, बहुत बार हो चुका है, लेकिन अलौकिक आनंद जीवन में कभी कभी आता है, किसी क्षण आता है। रोजाना उस आनंद के लिए जब हम प्रयास करते हैं तब कभी कभी वह आनंद आपके जीवन में घटित हो सकता है। इतनी बड़ी कथा चल रही है, न जाने किस प्रसंग में आपके जीवन में वह आनंद घटित हो जाए, न जाने किस प्रसंग में आपके जीवन में वह बात आपके अंदर तक पहुंच जाए जो आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। यह संभव तभी होता है जब हम निरंतर उस आनंद के लिए प्रयास करते रहें। हमारे भीतर का वह आनंद, वह रस जो हमें विषयों से मिलता है, बाहर की दुनिया से मिलता है, बाहर के साधनों से मिलता है, वह जब हमें स्वयं में स्वयं से मिलने लग जाए, बिना किसी साधन के, बिना किसी घेवर रबड़ी और फैनी के, बिना किसी लहराई और लहंगा के, बिना किसी तरह के म्यूजिक और गीत श्रवण के, वह अपने आप हमारे अंदर वह आनंद भीतर से आने लग जाए, स्व आत्मा का आनंद, तब जितने भी ये रस आपको रसदार दिखाई दे रहे हैं ये सब बेरस लागे, ते रस बेरस लागे, ये सारे रस हमें बेरस लगने लग जाते हैं। और जब ये रस बेरस लगने लगे, कौन से रस? तीन ही रस हैं उनके पास, राज, राजा का रस, जब वह राजा बनकर के बैठते हैं तो उसका रस, जब उनके पास में वनिताएं होती हैं, उनकी स्त्रियां होती हैं तो उसका रस, और जब उन्हें अपना साम्राज्य दूर दूर तक दिखाई देता है तो उसका रस। इन रसों में जो आनंद ले रहे थे वह रस उनके लिए एकदम से बेरस लगने लगे जब वह श्री गुरु के चरणों में बैठे, और उस समय पर उनके अंदर कुछ घटित होने लगा। आदमी के अंदर सत्य तभी घटित होता है जब वह सत्य के समक्ष बैठता है, सत्य विचार, सत्य निष्ठा, सत्य बुद्धि, सत्य क्रियाएं, ये तभी उसके अंदर घटित होती हैं जब वह किसी सत्यनिष्ठ व्यक्ति के समक्ष बैठता है, और वह सत्य उनके सामने आने लगा। दुनिया का सत्य क्या है? दुनिया का जो सत्य हमने स्वीकार किया था, जिसे हम सत्य मान रहे थे, वह सत्य इनके सामने बैठ करके अब हमें बिल्कुल असत्य लग रहा है। अभी तक हमें सत्य क्या दिखता था? राज रमा वनिता दिख जे रस, इसमें जो रस आता था वो हमें सत्य दिखता था। आज इनके सामने बैठ करके मुझे ये सत्य असत्य सा क्यों लगने लगा? वह अपने मन में उनके चरणों में बैठ करके सिर्फ यही विचार कर रहे हैं, मुझे ये सब कुछ असत्य क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है, सत्य का अगर एक छोर पकड़ लिया जाए तो वह हमें सत्य की पूरी यात्रा करा देता है। और उस सत्य का एक छोर पकड़ने के लिए आपको सत्यनिष्ठ, सत्य स्वरूप, सत्य की प्राप्ति करने वाले उन सच्चिदानंद आत्म स्वरूप दिगंबर रूप उस मुद्रा का आपको आलंबन मिल जाए, एक छोर अगर आप उसका पकड़ लें
तो आप सत्य की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उस सत्य को पकड़ने के तीन कारण कहे, तीन तत्व कहे। या तो जो सत्य भगवान हैं उनको पकड़ लो। भगवान भी दोनों तरह के होते हैं, सत्य और असत्य। उनमें से सत्य भगवान जो हैं उनको पकड़ना। सत्य भगवान कौन सत्य हैं ये जानने की दृष्टि आएगी तब सत्य भगवान सामने आएंगे। उन सत्य भगवान के उपदेश सामने आएंगे उसको पकड़ना, ये दूसरा तत्व है। और उन उपदेशों के अनुसार अपना जो जीवन जी रहे हैं, सर्वस्व त्यागी हैं, उनका अगर आपको दर्शन हो जाए, उनके चरणों में बैठने को मिल जाए, उनका निमित्त मिल जाए, तो ये तीसरा सत्य है। देव शास्त्र गुरु तीन तत्व, तिनके स्वरूप का ज्ञान सत्व। ये देव शास्त्र और गुरु ये तीन तत्व हैं। सात तत्वों को जानने की कोशिश मत करो, सात तत्वों में कोई सार नहीं है। केवल देव शास्त्र और गुरु को जान लो, सात तत्व का सार आपको मिल जाएगा। ये तीन तत्व हैं, यही सत्व हैं, यही सत्य हैं, यही सारभूत हैं। और सत्य को अगर एक बार समझ लिया जाए, सत्य को अगर एक बार पकड़ लिया जाए, सत्य का एक छोर भी हमारे लिए पकड़ में आ जाए, तो सत्य की यात्रा शुरू हो जाती है। मैन प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रुथ टू ट्रुथ, नॉट फ्रॉम एरर टू ट्रुथ। आदमी हमेशा सत्य से ही आगे की ओर बढ़ता है, असत्य से कभी सत्य की यात्रा नहीं कर सकता। अगर आपका मार्ग गलत है तो आप हमेशा गलत 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 ही करते जाएंगे, आपका रास्ता गलत ही चलता चला जाएगा। एक छोर अगर आपने सत्य का पकड़ लिया तो आप सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ट्रुथ से ट्रुथ का पाथ बनता चला जाता है, और वह पाथ एक बार अगर पकड़ने में आता है तो इन तीन कारणों से पकड़ में आता है। या तो सत्य भगवान को पहचान लो, या सत्य उपदेशों को सुन लो, या सत्य गुरु के निकट आ जाओ। जिस दिन तीन में से एक भी चीज आपकी पकड़ में आ गई, एक पर भी आपका विश्वास जम गया, आपका वह सत्य की यात्रा, सच्चिदानंद रूप आत्म तत्व की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यह सत्य उनके सामने आ रहा है जो जीवन भर भोगों को सत्य समझते रहे, राजपाट करने को सत्य समझते रहे, अपने साम्राज्य के अहंकार में डूब करके उस अहंकार को सत्य समझते रहे। आज उनके सामने जब श्री गुरु का उपदेश होता है तो वह आंख नम करके नीचे झुकाकर ये विचार करने लग जाते हैं, जो जीवन मैं जी रहा हूं वह सत्य है, या जो जीवन ये जी रहे हैं वह सत्य है। ये विचार आ जाता है, और यह विचार आने का नाम ही है सत्य की ओर बढ़ना। इसी को कहा जाता है राग से वैराग्य की ओर बढ़ना। राग रंगीनियां सत्य हैं या वैराग्य सत्य है, यह विचार भी अगर हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए सत्य क्या है, तो आप सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। लोग जब किसी को सत्य की ओर बढ़ा हुआ देखते हैं तो पूछने लगते हैं, आपको यह सत्य कैसे मिला, आपको राग से वैराग्य कैसे हुआ, लोग पूछने लगते हैं। जयपुर वासियों की भी बड़ी इच्छा है, उनके सामने भी कई बार यह प्रश्न उठता है, और वह प्रश्न मेरे तक आ रहा है, शाम की सभाओं में आता है, दिन में भी कोई कोई आकर के पूछ लेता है, महाराज क्या कारण हो गया जो आपको वैराग्य हो गया।
जब कहीं कहीं पढ़ लेते हैं मृत्यु को निकट से देखा था, तो ये क्या मतलब होता है इसका? वैराग्य के लिए, सत्य को जानने के लिए बस सत्य को ढंग से देखना पड़ता है। ढंग से देखो, बस किसी भी चीज को ढंग से देखो, उससे भागो मत। और यही देखने की दृष्टि बस एक बार जीवन में आई, और उस दृष्टि को एक बार जब प्राप्त कर लिया तो बस सामने कितने भी रस हों सब बेरस लगने लग जाते हैं। चाहे वो राजा का जीवन हो, चाहे वो एक बालक का जीवन हो, किसी भी व्यक्ति का जीवन हो, उसके जीवन में वह प्रबुद्धता का क्षण आता है जब वह स्वयं में बुद्ध बन जाता है। इसी को कहते हैं स्वयं बुद्ध। स्वयं अपने आप उस दृष्टि से वैराग्य को प्राप्त कर लेना और इस राग रंग की असत्यता को समझ करके सत्य के मार्ग पर चल पड़ना। कारण पूछते हैं लोग, किस लिए पूछते हो? शायद कारणों से वो कारण हम भी प्राप्त कर लें तो कुछ हमारे जीवन में भी आ जाए इसलिए, या केवल बस एक क्यूरियोसिटी रहती है, नहीं आप बताओ कि आपको कैसे हुआ, इसलिए। होने के कारण कोई अलग नहीं होते। पिछले जन्म में आपने देखा एक राजा अरविंद के लिए एक सफेद बाल दिख गया था तो वह वैराग्य को प्राप्त हो गए। यहां मुनि महाराज के उपदेश मिल रहे हैं राजा को, उनके अंदर वैराग्य आ रहा है। और अगर आप देखें तो आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं आसपास घटित होते हुए दिखाई देती हैं, अगर आप उन घटनाओं को ढंग से देखें तो आपके अंदर भी वह सत्य की ओर जाने का भाव आ सकता है। संसार में कारण तो यही रहेंगे जो आपको दिखाई देते हैं, बस देखने की दृष्टि चाहिए। रोजाना आप मृत्यु देखते हैं, रोजाना आप बीमार लोगों को देखते हैं, रोजाना आपके सामने अनेक तरह के अभावों में दिखने वाले लोग दिखते हैं, लेकिन उनको देख करके आप आगे नहीं बढ़ते हैं, बचते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के उपरांत जहां उसको ले जा करके संस्कारित किया जाता है, वहां पर सब लोगों को पीछे कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। कुछ ही दो चार लोग जाते हैं जो वहां पर जाकर के उसकी क्रिया करते हैं। सुन रहे हो? ऐसा ही है ना। और वह मृत्यु अगर कभी अपने परिचितों की हो, अपने से मिलने जुलने वाले लोगों की हो, तो वह कुछ बहुत बड़ी दृष्टि में परिवर्तन ला देती है। कुछ ऐसा ही एक बालक के जीवन में घटित हुआ था। जब समाज में जैन समाज के दो युवा बच्चे जिनका विवाह हुआ केवल एक साल ही हुआ है, 24-25 साल के दो युवक हैं, एक साल ही जिनके विवाहित जीवन का बीता है, और एक दुर्घटना में व्यापार करने के निमित्त आने जाने में एक गाड़ियों से दुर्घटना में वे दोनों, संयोग की बात, वे दोनों जीव एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं। समाज के दोनों बच्चे हैं और उन दोनों की मृत्यु से समाज में हाहाकार मच जाता है। दोनों की पत्नियों के गर्भ में एक एक बच्चा भी है, और ये सब विडंबना देखते हुए वहां पर जो भी लोग हैं वह सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी में एक बालक जो उन युवाओं से परिचित है, एक के घर में उसका आना जाना होता है, निकट संबंधी हैं, उसी मोहल्ले के हैं, और वह जब उस घटना को देखता है तो उसके मन में बहुत उथल पुथल हो जाती है। विवाह हुआ,
एक वर्ष के जीवन में ही पूरा समाप्त हो गया। कितने विचार थे मन के अंदर, व्यापार इतना बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन होने के बाद में ये सुख मिलेगा, वह सुख मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये सब क्या हो गया। ये सब रोना धोना होने लगा, जीव कहां चला गया, मृत्यु क्या बला है। उस मृत्यु की सत्यता को समझने के लिए उस बालक के अंदर एक भाव आता है कि ये क्या होता है। वह मृतक शरीर पड़े हुए हैं और उनको देखकर के भी वह बालक समझ रहा है कि ये मृतक शरीरों में है क्या, ये क्या इनका होने वाला है। और जहां जहां तक वह उन शवों को ले जाया जाता है, वह बालक उस शवों के पीछे पीछे चला जाता है। उस भीड़ में जहां किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सब जा रहे हैं, पूरा शहर बंद है और सब उसी शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं, उसी मरघटा की ओर जा रहे हैं। और वहां जाने के बाद में सब अलग अलग तरह से अपने अपने ग्रुप बना करके बातचीत कर रहे हैं, सब अपना अपने तरीके से अपना अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं। कोई वहां पर अपने उन संस्कारों में व्यस्त है, कोई अपनी बातों में व्यस्त है, और चारों तरफ ये सब नजारा देख करके वह बालक देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। पहली बार उस बालक ने किसी शव का संस्कार होते हुए देखा, कैसे उसको लकड़ियों के बीच में रखा जाता है, कैसे उसके कपड़ों को हटाया जाता है, कैसे उसके ऊपर से उसका एक अंतिम कफन भी हटा दिया जाता है, कैसे उसमें अग्नि लगाई जाती है, और कैसे उसके अंत में उसके सिर पर चोट मारी जाती है। यह सब जब उस बालक ने देखा तो उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े आशाओं के आसमान थे, वो सारे जमीन पर आ गए। और जो तारे उसे आसमान में दिखाई देने लगते थे, वो तारे जमीन पर उसे दिखाई देने लगे, और वह सारी हकीकतें उसके सामने आने लगी जीवन की। और उसके मन में विचार आने लगा, हम जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए तड़फ रहे हैं, जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे जा रहे हैं, वहां तक पहुंचने से पहले हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। जीवन क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु सत्य है कि जीवन सत्य है, और इस प्रश्न के उत्तर में उस बालक के अंदर अनेक 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 दार्शनिक प्रश्न उत्पन्न होने लगे, और इन प्रश्नों का समाधान कहीं उसे मिल नहीं रहा। जब भी कभी किसी की मृत्यु का समाचार सुनता है तो फिर वही प्रश्न उसके दिमाग में फिर कौंधने लग जाता है। कुछ दिनों तक शांत रहता है, फिर अपना जीवन जीने लग जाता है, और फिर किसी की मृत्यु का समाचार सुना तो फिर वही प्रश्न सामने आने लग जाता है, और वह सोचने लग जाता है जिंदगी जिंदा कहां है। क्या विचार करता है, जिंदगी जिंदा कहां है, कौन जी रहा है जिंदगी को, जिंदगी किसकी जिंदा है। और जब वह अपने आसपास देखता है तो उसे यह दिखाई देता है कि सब कहीं ना कहीं व्यथित हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं। जिंदगी वास्तव में कौन जी रहा है, ये विचार उसके मन में आने लग जाता है, और वह विचार ही उसे धीरे 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 न जाने एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देता है जब उसकी भी संगति एक गुरु से होने लग जाती है, एक गुरु के निकट वह आने लग जाता है, और वहां पर आने के बाद में वह भी विचार करने लग जाता है कि हमें भी गुरु से इसी तरह की शिक्षाएं सीखना है जिससे कि ये गुरु बने हैं। और वह उन गुरु के पास रुकने लग जाता है, और रुकते रुकते उसे पता पड़ता है
कि इनसे भी बड़े दुनिया में एक और गुरु हैं जिनका नाम आचार्य विद्यासागर महाराज है। तब वह वहां जाने की लौ लगाता है और वहां जाने के लिए छटपटाता है और वह बालक एक साल के निरंतर प्रयत्नों के बाद बड़ी मुश्किल से उन आचार्य विद्यासागर महाराज का दर्शन प्राप्त कर पाता है। जब दर्शन प्राप्त हो जाता है बस तेरस बेरस लागे, सब बेरस लगने लगता है। और उसी एक दर्शन के बाद ये लगने लगा जिंदगी जिंदा यहां है। जब तक उसके मन में प्रश्न था जिंदगी जिंदा कहां है, और उन आचार्य महाराज का दर्शन करने के बाद लगने लगा जिंदगी जिंदा यहां है, बस समाधान मिल गया। वह जिंदगी जब जिंदा लगने लगी तो रस बेरस ऐसे लगने लगे कि उससे वह पहले बालक सब खाता था, सब पीता था, दिन भर खाता था, लेकिन उन गुरु महाराज के दर्शन करने के बाद अपने आप ये भाव आ गया कि जैसे ये गुरु महाराज बिना नमक का खाते हैं हम भी बिना नमक का खाएंगे, जैसे ये गुरु महाराज एक बार भोजन लेते हैं हम भी एक बार ही दिन में भोजन लेंगे। ये विचार उसके मन में अपने आप आ गया और उस बालक ने अपनी अंतः प्रेरणा से ये नियम अपने आप ले लिया और उसका निर्वाह उसने जीवन पर्यंत तक करने का संकल्प कर लिया। बोली मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सुन रहे हो, जिंदगी जिंदा कहां है, थोड़ा सा बताता हूं कहां है। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक। उस बालक के अंदर हर दिशा में अनंत आशाएं थी, कोई भी ऐसा काम नहीं जो बालक ना कर पाए, चाहे अच्छा चाहे बुरा। कोई भी तरीके का अच्छा काम हो तो उसमें भी उसका मन लगता, और अगर कोई बहुत ज्यादा साहसिक काम हो, एडवेंचरस कुछ भी हो, उसके लिए भी अगर कोई उसे मोटिवेट करते तो वो उसको भी करने लग जाता। चाहे कितना भी गलत हो चाहे कितना भी अच्छा हो, और उसके अंदर एक आशा थी मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, हर दिशा में उसकी आशा थी। और वह चाहता था कि मैं जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है उसे मैं अपने पास ले आऊंगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन ये जो बीच में सत्य सत्य की जो घटनाएं उसके सामने आती गईं, इसके कारण से उसके दिमाग में एक प्रश्न आता गया, जिंदगी जिंदा कहां है। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे सिकन देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। दूर तक पहुंचे हुए लोग और उसी राह पर चलने की इच्छा करने के उपरांत जब वह देखता है कि वहां से जो लोग लौट रहे हैं उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, शिकन है। मुझे बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, मुझे बहुत बड़ी जॉब करना है, अमेरिका जाना है, ये पढ़ना है, वो करना है। और जब उन सब लोगों को देखा और उसके बाद में लगा, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पर सिकन देखकर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। आसपास का वातावरण देखो तो क्या दिखाई देता है, दुखी कोई प्रीत करके, दुखी कोई प्रीति बिन,
दुखी कोई पुत्र से तो दुखी कोई पुत्र बिन, पुत्र इच्छा से बढ़ी पुत्री की संतति से दुखी, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। क्या दिखाई देता है इस दुनिया में, कोई किसी से प्रीति कर रहा है, कोई किसी से प्रीति नहीं कर पा रहा है, कोई प्रीति करके दुखी हो रहा है, कोई प्रीति के बिना दुखी हो रहा है, कोई पुत्र की चाहत में दुखी हो रहा है, कोई पुत्र चाह कर के भी प्राप्त करके भी दुखी हो रहा है, और कोई पुत्र की चाह कर रहा है लेकिन पुत्रियों की प्राप्ति हो रही है। ये तरह तरह की जो आसपास चीजें देखने में उस बालक के आती हैं तो विचार करता है जिंदगी जिंदा कहाँ है। और वही सब देखते देखते जब यह घटना उसको देखने में आ गई जो आपको सुनाई, तो यह घटना भी उसके मन में विचार के लिए पर्याप्त कारण बन गई कि जिंदगी जिंदा कहाँ। वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये में भंग। ये किसके लिए लिखा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है? यह उन्हीं दो प्राणियों के लिए कहा जा रहा है जिन दो शवों को, जिन दो मृत्युओं को एक साथ उस बालक ने देखा और उनका अंतिम संस्कार देख करके उसके मन में विचार आया कि इनकी कब दिवाली हुई और कब होली हो गई। मानो सुबह दिवाली हुई और शाम को होली हो गई। वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये में भंग। मर घटा पर प्राण घट दो फूंक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। और इन सब प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलता है? जैसे यहां लिखा है, पुण्य के संयोग से, जैसे क्षेमंकर मुनि महाराज की वंदना करते हैं, यह चक्रवर्ती वज्रनाभि ऐसे ही पुण्य के संयोग से कुंडल गिरी शुभ क्षेत्र पर आचार्य श्री के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर, और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाके आपसे, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। जिंदगी को समझना, जिंदगी को जिंदा जीना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, समझ पा रहे हो? और ये सत्य के साथ जीना, ये तभी संभव होता है
जब ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलता है, आप लोगों के बीच में ही जन्म लेने वाले ऐसे अनेक जीव होते हैं जो इन गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करके अपने कायाकल्प कर लेते हैं, जीवन में सत्य की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। और इसी तरह के कदम यह राजा वज्रनाभि आगे विचार कर रहे हैं। इनके विचार में क्या आ रहा है, मुनि महाराज की क्या कथनी हो रही है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचारें परम धर्म अनुरागी। इस संसार महाबन भीतर भ्रमते और न आवे, जामन मरण जरा दो दाजो जीव महादुख पावे। वह मुनि महाराज सूरज की तरह और उनके कथन सूरज की किरणों की तरह, और जब वह किरणें उन वज्रनाभि चक्रवर्ती के हृदय के पास तक पहुंची तो उनकी भ्रम बुद्धि चली गई। मन का अंधकार भ्रम कहलाता है, और वह भ्रम कुछ और नहीं होता, इस जगत में जो असत्य है उसे सत्य समझना, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और यह भ्रम अगर दूर हो जाए तो सारा का सारा जीवन परिवर्तित हो जाए। वह सत्य क्या है, उनके कथनी की किरणावली से उनके हृदय में समाहित होने लगा, और तीन चीजों का सत्य बस आपको जानना है। कितनी चीजों का? तीन चीजों का। आज आपने जाना कि तत्व कितने हैं, कितने तत्व बताए? तीन तत्व हैं। सात तत्व भूल जाना, कोई जरूरत नहीं सात तत्वों की। तत्व कितने हैं? तीन। और ये तीन तत्वों का बखान जानना हो तो नई छैडाला पढ़ना। कौन सी छैडाला? हाँ, एक मुनि महाराज के द्वारा बनाई हुई छैडाला है, नई छैडाला। कुछ नई बातें जानना हो तो नई छैडाला पढ़ना। सात तत्वों की प्रयोजन भूतता भी आपको इन तीन तत्वों की प्रयोजन भूतता से ज्ञान में आ जाएगी, और आपको पता पड़ेगा तत्व केवल तीन है। और दुनिया में केवल अगर तीन सत्य के बारे में जान लिया जाए, तीन चीजों से हमारा भ्रम हट जाए, तो आपकी आत्मा परमात्मा बनने में देर नहीं लगे। हमारे जीवन में सिर्फ तीन चीजों के भ्रम हैं, वो भ्रम इन क्षेमंकर मुनि महाराज की वाणी से दूर हो सकते हैं। तीन चीजों के विषय में भ्रम, पहली चीज भव, दूसरी तन, और तीसरी भोग। बस और कुछ नहीं है। इन्हीं के स्वरूप का विचार उस राजा ने किया जब वह उन मुनि महाराज की कथनी को, उनके वचनों को सुनता है। भव तन भोग स्वरूप विचारे परम धर्म अनुरागी। धर्म और किसी चीज का नाम नहीं है, सत्य धर्म वही है जो इन तीन चीजों की सत्यता को कह दे। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ना जैन धर्म ना किसी अन्य धर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि जैन धर्म सत्य है, मैं ये कह रहा हूं ये तीन चीजों की सत्यता मान लो, बस आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। भव माने संसार, तन माने शरीर, और भोग आप जानते ही। इन तीनों की सत्यता को समझना है, इसमें हमारे अंदर क्या भ्रम पड़ा है यह जानना है। संसार, शरीर और भोग, इन तीन चीजों का अगर भ्रम दूर हो जाएगा तो फिर आपको कोई उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल शांत भाव से ऐसे ही बैठ जाओगे जैसे स्वात्म साधना में शांत भाव से पांच दिन के लिए लोग बैठे रहते हैं। सुन रहे हो? हाँ। फिर आपको उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर अपने आप वह भाव समाहित होने लगेगा सत्य क्या है। और सत्य को जानना है, अनुभूत करना है, तो इसीलिए जब आपको इस तरह की प्रैक्टिस करा करके ऐसे उपदेशों से जब आपको सत्य का भान नहीं होता
तब फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उतारना पड़ता है, वह प्रैक्टिकल आपके लिए करके दिखाना पड़ता है सत्य क्या है। और उस सत्य को जानने के लिए भी आप अपने मन में तैयारी कर सकते हैं, अपने पूरे जीवन के 50 वर्ष की उम्र में अगर हम केवल 5 दिन उस सत्य को जानने के लिए निकालेंगे तो आपको वह अनुभूति अद्भुत होगी। डरना मत, कहीं ऐसा ना हो महाराज वैराग्य हो जाए, हो भी जाएगा तो तुम्हें वापस घर पे ही पहुंचा देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। आपके लिए एक बार ये सत्य जानने में तो आए कि कौन सा सत्य सत्य है और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें क्या सत्य है, कौन सी साइंस हम पढ़ रहे हैं जिस साइंस में हमें सत्यता मिल रही है, और यह साइंस जो आपको पढ़ाई जा रही है उसमें कौन सी सत्यता है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने का आपके लिए जो टाइम मिलता है उसी का नाम है स्वात्म साधना शिविर। समझ आ रहा है? हाँ, ये प्रैक्टिकल जब करोगे 5 दिन का, तब आपके जीवन में कुछ घटित होगा। यहां जो हो रहा है वह उसी की ओर ले जाने के लिए हो रहा है, प्रोसेस पूरा चल रहा है। आप कहते हो कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे क्रोध करते हैं, हमारे बच्चे ढीठ हो गए, हमारे बच्चे जिद्दी हो गए, हमारे बच्चे हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं। इस तरह के बच्चों के लिए भी एक बार अगर आप उस शिविर तक उन बच्चों को पहुंचाएं और बस वह इतना कर लें कि गुस्सा करके ही बस वहां बैठे जाएं, उनकी गुस्सा उतारने की जिम्मेदारी हमारी, उन्हें खुश करने की जिम्मेदारी हमारी, उन्हें ढीठ से सरल बनाने की जिम्मेदारी हमारी, बस एक बार वह इतना मन बना करके आ जाए कि मैं इस शिविर में एंट्री लेने के बाद में कुछ भी हो जाएगा निकलूंगा नहीं, 5 दिन पूरे करूंगा यहां पर। कितना भी वह टास्क हमारे सामने एडवेंचरस हो, डिफिकल्ट हो, हम उसे पूरा करेंगे। अगर बच्चा इस तरह का अपना माइंड सेट कर लेता है तो वह दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हासिल कर सकता है, क्योंकि एक बार जो ऐसा कर लेगा वह दुनिया में कहीं पर भी घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, विचलित नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बेटा बेटी मंदिर में ही जाकर के ये समझे कि मैंने धर्मात्मा हो गया। मैं कभी नहीं किसी को फोर्स करता मंदिर का भी नियम दिलाने को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।